अगली चीज, अगला जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ाते हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं रिएक्ट लाइफ साइकिल। रिएक्ट चलता कैसे है? जब आपको सर्वलेट पढ़ाया जाता है जावा के अंदर, फोकस कीजिए, हमें तो कॉलेज टाइम में कभी पढ़ाते थे तो हम वहां पे फोकस करते थे। तो एक पेज के लोड होने में लाइफ साइकिल होते हैं। पेज ऐसे ही नहीं तुरंत लोड होता है, जैसे सबसे पहले क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, लास्ट में पेज जब एंड होता है तो डिस्ट्रक्चर कॉल होता है, जैसे हम ट्राई कैच पे बात करते हैं तो फाइनली एट द एंड कॉल होता ही होता है। ऐसे ही पेज के भी लाइफ साइकिल होते हैं। आपको रिएक्ट को समझने के लिए क्लास के अकॉर्डिंग समझना होगा, तब आपको फंक्शन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तब आपको लगेगा अच्छा इतना बेटर है फंक्शन में, ऐसा वाला सिनेरियो लेके आ गए, मतलब इस तरीके से सिंटेक्स को चेंज कर दिया। तो आपको लाइफ साइकिल समझा रहे हैं क्लास के अकॉर्डिंग। थोड़ा हो सकता है मैं थ्योरी समझाऊं। ठीक है, देखो यहां पर पेज पर है तो मैंने लिखा क्लास लाइफ साइकिल इन रिएक्ट, ऐसा कुछ भी मैंने सर्च कर लिया। मैं दो वेबसाइटों का सहारा लेता हूं, एक वेबसाइट का सहारा ले रहा हूं W3 School, जो बेसिक मुझे समझने में हेल्प करती है, और दूसरी वेबसाइट जो कि ऑफिशियल है। यहां पर मैं पेज पर आया, मैंने रिएक्ट लाइफ साइकिल पे बात करी, तो आप यहां पर नोटिस करना रिएक्ट के लाइफ साइकिल पर। रिएक्ट पहला सिंटेक्स लिखता है कि ईच कंपोनेंट हैज सेवरल लाइफ साइकिल मेथड्स, यू कैन यूज दिस लाइफ साइकिल डायग्राम एज अ चीट सीट। कॉमनली यूज लाइफ साइकिल मेथड्स आर मार्क्ड एज अ बोल्ड। सबसे पहले हमारे पास माउंटिंग फेस है, दूसरा अपडेटिंग फेस है, और तीसरा अनमाउंटिंग फेस है। ये तीन फेसों पे काम हो रहा है। समझना मेरी बात को, जैसे ही आपका पेज लोड हुआ, जैसे ही कोई इंस्टेंस क्रिएट हुआ इनसाइड द डॉम, HTML डॉम जो क्रिएट होता है, वैसे ही सबसे पहले माउंटिंग फेस रन होता है। यहां पर देखिए, यहीं पर सामने में लिखा है, इन द फॉलोइंग ऑर्डर, व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ ए कंपोनेंट इज बीइंग क्रिएटेड एंड इंसर्टेड इनसाइड द डॉम, देन दिस माउंटिंग फेस विल रन। और माउंटिंग फेस के अंदर सबसे पहली मेथड कौन रन करती है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है? वेरिएबल बनाने के लिए, स्टेट बनाने के लिए। कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है? जब नॉर्मल फंक्शन बनाए जाते थे तब बाइंडिंग करने के लिए, बोला है ना लास्ट टाइम की क्लास में। देखिए सामने में लिखा हुआ है मेरे दोस्त, इसीलिए पढ़ना सीखना है ना कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो खुद से आएगी जब आपको पढ़ना आएगा तो सिनारी। आप यहां पर पेज पर देखिए, देखना पॉइंट लिखे हैं क्या लिखता है, इनिशियलाइजिंग लोकल स्टेट बाय असाइनिंग एन ऑब्जेक्ट टू दिस डॉट स्टेट। इसीलिए तो मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज किया था। और दूसरा यूज क्या है? बाइंडिंग इवेंट हैंडलर मेथड्स टू एन इंस्टेंस। अब ये यूज है ही नहीं, इसलिए बाइंडिंग वाला, ये वाला सिनेरियो बोला था मैंने कि आप नॉर्मल फंक्शन बनाते तो उसे क्या करते? बाइंड करते। तो ये दो यूज थे किसके? कंस्ट्रक्टर पे। अब साथ ही साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी बात कर रहे हैं तो थोड़ा लिख भी लेते हैं। आप यहां पर पेज पर आए, लेट से आपने ये पेज बनाया, और आप देखिए अगर आपको बेसिक आएगा तो मेरे दोस्त आगे कुछ भी चेंजेस करेंगे लोग, आपको इजीली समझ में आते जाएंगे। हम यहाँ पर लाइफ साइकिल डॉट जेएस नाम से लेट्स से एक फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्लास कंपोनेंट बना रहे हैं। मैंने लिखा RCE, और क्लास कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला क्या बना दिया? एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। और इस कंस्ट्रक्टर पे हालांकि कुछ भी मैं ऐसा नहीं दे रहा हूँ, लेट्स से मैंने काउंटर की वैल्यू क्या लिख दी? 0। और एक सिंपल सा काम करता हूँ, यहां पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक लॉग लिखता हूं, लॉग कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया? कंस्ट्रक्टर कॉल। जरूरी बात, ठीक है। और मैंने इस पर्टिकुलर कोड को कहां पर अटैच करवा दिया? अपने एप डॉट जेएस वाली फाइल पर, और इस फर्स्ट की जगह पर अभी क्या कर दिया?
उस पर्टिकुलर जो भी लाइफ करके बनाया है मैंने, उस पर्टिकुलर कोड को लेके आते हैं। मैंने लिखा है लाइफ साइकिल, देखो ये हेल्प हो जाएगी और ये आ गया। वेट कर लो थोड़ा सा, खुद से भी इसको हेल्प करता है ना, क्यों लगे रहो। हम यहाँ पर पेज पर हैं, जैसे ही मेरा लाइफ साइकिल वाला पेज लोड होगा, मैंने सबसे पहले पढ़ा है कि मेरा क्या कॉल हो जाता है, कंस्ट्रक्टर पेज कॉल हो जाता है। कितने में चल रहा है लोकल 3000? लाइफ साइकिल पेज पे लिखा है, रन करके देखते हैं कहां पर, इंस्पेक्ट पे। और इंस्पेक्ट पे क्या कॉल हुआ होगा, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। दूसरा फेस क्या कॉल होता है, सामने में लिखा हुआ है दूसरा फेस क्या, स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। दूसरा फेस स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स का क्या यूज है, अगर आप स्टेट को चेंज करना चाहते हैं बाय यूजिंग प्रॉप्स, तो आप किसका यूज करते थे, स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स का यूज करते थे। स्टेट को चेंज करना चाहते हैं किसके बेस पर, प्रॉप्स के बेस पर। ध्यान देना, तो आप किसका यूज करते, स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। मैंने दूसरा सारा लिया है ना W3 स्कूल का, देखिएगा सामने में, पढ़ने के लिए आपको टॉपिक भी बता रहा हूँ, कहां से आपको समझ में आएंगे, दोनों वेबसाइट है साथ में खोल के भी दिखा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, स्टेटेड गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड इज कॉल्ड राइट बिफोर रेंडरिंग। देखो यहाँ पर पेज पे अगली लिखा है, दिस इज अ नेचुरल प्लेस टू सेट द स्टेट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द इनिशियल प्रॉप्स। फिर नीचे लिखता है, इट टेक्स स्टेट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट विद द चेंजेस टू द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल we have the state this, we are changing this particular state before rendering, rendering से पहले, ठीक है, props के base पर। props के base पर कहने का मतलब क्या हुआ, आपने life cycle पर यहां पर क्या pass कर दिया, डेटा, कुछ भी इन्फो, प्रॉप्स तो यही होता है, इन्फो इज इक्वल टू आपने क्या लिख दिया इस पर, ड्यूकेट। ध्यान देना, और इस ड्यूकेट को कहां गेट करा दिया, अपने लाइफ साइकिल वाले पेज पर, किस पर आ जाया होगा, प्रॉप्स पे। और जब ये प्रॉप्स पे आ गया होगा तो इसको दिखाने से पहले, दिखाने से पहले का मतलब समझिए, आप यहां पर अगर लाइफ साइकिल पर काउंटर की वैल्यू को दिखा रहे हैं तो काउंटर को कैसे दिखाते भाई, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट लिखते ना, क्लास है तो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट चलता, सिंटेक्स क्लास का ये है। हम यहां पर पेज पर है, अभी काउंटर की वैल्यू क्या दिखेगी मुझे पेज पर, लाइफ साइकिल जीरो। ध्यान देना, अभी क्या दिखेगा ये मुझे, लाइफ साइकिल जीरो। रिफ्रेश करके देखा करें, बार बार जब पेज को देखें तो अभी हालत, अभी आदत डालें कैसा करके, रिफ्रेश करके देखें, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और लाइफ साइकिल जीरो। आप ये कहना चाहते हैं कि क्या हो जाए, ये गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स का मैंने सिंटेक्स उठाया और सिंटेक्स उठा के कहां डाल दिया, यहां पर, ठीक है। और यहां पर आपके पास इसकी जगह पर क्या है, काउंट है, प्रॉप्स डॉट फेबिकॉल ना होके डेटा है। ध्यान दीजिए, प्रॉप्स ही तो है, प्रॉप्स पे ऐसा ऑब्जेक्ट पास होता है, ठीक है, प्रॉप्स पे ऑब्जेक्ट है ना, डेटा नाम से। कंसोल डॉट लॉग करा के प्रॉप्स ऊपर देख लेना, पता चल जाएगा, मैंने पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं प्रॉप्स डॉट डेटा। यहां पर हम पेज पर है, आप क्या करना चाहते हैं, जो भी प्रॉप्स के पास आ रहा है, जो प्रॉप्स के पास आ रहा है वो चेंज करना चाहते हैं यहां पर, जो भी प्रॉप्स के पास है। अब प्रॉप्स पे क्या आ रहा है, आप सिंटेक्स पे यहां फोकस करना, जो भी प्रॉप्स के पास आ रहा है, कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स, प्रॉप्स के पास जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या करना चाहते हैं, यहां पर दिखाना चाहते हैं। अब प्रॉप्स पे जिस तरीके से भी पास किया होगा, सिंटेक्स क्या होता है प्रॉप्स का, देखिए, तो यहां पर मेरे पास जो भी प्रॉप्स पे वैल्यू आ रही है, जैसे मैं कंस्ट्रक्टर पे अगर पास हुआ है
यहां पर क्या करके देख लेता हूं, कंसोल डॉट लॉक्स पहले क्या करके देख लेता हूं, प्रॉप्स की जो भी प्रॉप्स पे आ रहा है वो मुझे यहां पर दिख जाए। देखते हैं पेज पर प्रॉप्स पे क्या लिखा है मैंने, की किसकी बनाई है, इन्फो बनाई है। जब इन्फो की बनाई है तो यहां पर एक्सेस करते समय क्या करूंगा, मैं डेटा की जगह पर इन्फो लिखूंगा। क्लियर हो रही बात, इसीलिए मैंने जानबूझ की मिस्टेक करी कि आपको सिनारी भी समझ में आया, पिछले बार पढ़ चुके हैं ये सब। हम यहाँ पर सेव पर आए और जाकर देखते हैं इस जगह पर, ये कोई क्या हो गया, रेंडर होने से पहले आपने प्रॉप्स के बेस पर स्टेट को क्या कर दिया, चेंज। थ्योरी पढ़ते समय यहां पर फोकस किया हुआ था, कहता है कि जो भी मेथड्स क्या है बोल्ड में यूज हुई हैं वो कॉमनली यूज्ड लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। तो गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स क्या हो गया आज की डेट में, ओल्ड हो गया, डेप्रिकेट हो गया। डेप्रिकेट वर्ड समझिए, डेप्रिकेट मतलब पुराना हो चुका। हम आगे बढ़ते हैं, अगली मेथड क्या कॉल होती है, रेंडर। तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल हुई, फिर क्या कॉल हुआ, रेंडर कॉल हुआ। अब यहां पर आपके पास पेज पर, अगर आप यहां पर पेज पर हो गए, आपने कहा सर कुछ चेंजेस ना हो तो आप ये वाली लाइन की जगह पर रिटर्न फॉल्स लिख देते ना, क्या लिख देते, कोई भी चेंजेस ना हो तो आपने क्या लिख देता, रिटर्न फॉल्स, कुछ भी रिटर्न ना हो, कोई भी चेंजेस ना हो, वो पर्टिकुलर लाइन मैंने हटा दी। और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूं तो क्या दिखेगा मुझे, रिटर्न फॉल्स दिखेगा, कोई भी चेंजेस नहीं तो जीरो की वैल्यू मेरे को क्या दिख रही है, जीरो दिख रहा है। अगली मेथड क्या कॉल होती है, कंपोनेंटेड माउंट। आप आए कंपोनेंटेड माउंट को पढ़ते, मैं इस वाली चीजों को क्लोज कर रहा हूं और यहां पर फोकस कर रहा हूं, जाकर देखिएगा रेंडर कॉल होगी, अब क्या कॉल हो रही है, देखिए दिस इज वेयर यू रन स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स दैट द कंपोनेंट इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन द डॉम। कैसा केस, नीचे कोडिंग करी गई है, आपने कोई भी एक वेरिएबल को सेट किया है, आफ्टर सम टाइम इफ यू वांट टू चेंज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, एक सेकेंड बाद वो क्या हो जाए, येल्लो हो जाए, 5 सेकेंड बाद येल्लो हो जाए, जो डॉम पर आ चुकी है वैल्यू, उस वैल्यू पर उस समय बाद आप चेंजेस करना चाहते हो तो लिखता है ना ऊपर, This is where you run a statement that requires that the component is already placed in the DOM. After some time, if you want to change, render होने के कुछ समय बाद आप उस particular पे कुछ changes करना चाहते हो, तो मैंने particular code को ही copy कर लिया आपकी समझने के लिए, यहीं पर उस particular code को क्या मार दिया, paste कर दिया। This dot set state पर यहाँ पर color की जगह पर हटाकर इसे क्या दे देता हूँ, count लिख देता हूँ, ये तो है syntax। और 5 सेकंड बाद ये जो भी काउंटर की वैल्यू है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और चेंज होके क्या कर दे उस पर, येल्लो कर दे। सेट इंटरवल चला सकते हैं, सेट टाइम आउट चला सकते हैं, ध्यान देना डेवलपर्स, आप कहीं से टाइम डेट वाले ऑब्जेक्ट पे डेट लेके आए हो, कहां पर है, उस वेरिएबल पर है, आफ्टर सम टाइम एक एक सेकेंड बाद डेट क्या होती रहे, चेंज होती रहे, टाइमर आता रहे, ऐसा सिनेरियो बना सकते हैं, किस पर, इस पर ध्यान देना विजय जी, डेवलपर को ज्यादा जल्दी समझ में आती है बात। एक एक सेकंड बाद खुद से क्या करते रहे, अपने आपको कॉल करता रहे, क्या करता रहेगा, टाइम चेंज होता रहेगा, जावास्क्रिप्ट पे कोड पढ़ाया है, ठीक है, फोकस करना, कंट्रोल प्लस एस, मैंने सेव किया, जाकर पेज पर देखते हैं, यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो काउंटर की जीरो दिख रही है, 5 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। जरूरी बात, हर एक एक सेकंड बाद इसे कॉल करा सकते हो, अगला लाइफ साइकिल वो क्या है, अपडेटिंग। अपडेटिंग मतलब क्या, जब बटन के क्लिक करने पर आप चेंजेस करना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, फिर इस क्लास को अभी यहां पर एंड करता हूं, कल इसी चीज पर आगे कॉन्सेप्ट के साथ में बताऊंगा। यहां पर देखना अपडेटिंग फेज, जैसे कि आपने बटन पर क्लिक किया तो अब आपने क्या किया, अपडेट किया,
बटन की वैल्यू काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, जीरो की जगह पर वन। तो उस टाइम पर कौन कौन से फेसेस चलते हैं, तो सबसे पहला फेस कौन सा चलता है उस समय, फिर से दोबारा चलता है स्टैटिक गेटर एट द स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, तो माउंटिंग में भी चलता है और कहां पे भी अपडेटिंग में भी। उसके बाद क्या चलता है, सुड कंपोनेंट अपडेट। सुड कंपोनेंट अपडेट मतलब बटन के क्लिक करने पर काउंटर की वैल्यू वन हो या ना हो, पहले ही आप रिटर्न फॉल्स कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, काउंटर वन होगा ही नहीं। दूसरी वैल्यू अगला फिर रेंडर कॉल होता है, रेंडर मतलब देखना। फिर आपके पास क्या है, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, कंपोनेंट अपडेट, ये हमारे पास मेथड्स हैं। हर एक मेथड्स का कहीं ना कहीं अपना यूज है। अगली चीज इसी तरीके से आपके पास क्या है, अनमाउंटिंग फेस। अनमाउंटिंग फेस मतलब क्या, किसी चीज को आपको डॉम से रिमूव करना है, जैसे डिस्ट्रक्चर, वैसे कौन सा फेस है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। आपने नेटवर्क कॉल कर रखा है, आपको उसे क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, लास्ट में किसके अंदर जाएगी, कंपोनेंट विल अनमाउंट। आपने कोई टाइमर बना रखा है, उसे क्या करना है, क्लियर करना है, किसके अंदर आएगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ऐसे सिनारियों पर मेथड चलती है। तो आज का आपका सिंपल सा सिनारियो है, आपको एक लाइफ साइकिल की थ्योरी समझनी है और सिंपल जितना पढ़ाया गया है अभी उतना ही देखना है, कल पहले इसे कंप्लीट करेंगे फिर आगे बढ़। क्लियर है, आज थ्योरिटिकल पहले समझा दिया है, जितना पहले समझाया उतना बता दिया, कल अपडेटिंग फेज पहले पूरा बना लेंगे, फिर अनमाउंटिंग फेस पढ़ने, फिर आगे मूव करेंगे तो आगे हम हुक पे ही समझेंगे। जरूरी बात, आज सिर्फ इतना ही पढ़ाते हैं, ठंडा भी हो रहा है, इतना तक मैसेज आप पढ़ पाओगे, और हम आगे कल से प्रॉपर फिर मूवमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्लास क्यों रिमूव हुई और क्या फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कौन से हुक का क्या इंपोर्टेंस है। ठीक है, तो पहले चीज ये। Fine, thank you.